अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम मैम, शुक्रिया। आप सब कैसे हैं बच्चों? मैम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सब ठीक है? यस मैम। यस मैम, ईद कैसी गुजर गई आप सबकी? मैम अच्छी गुजर गई। आज तो बिल्कुल दिल नहीं करा होगा लेक्चर्स लेने का। यस मैम। ऐसे ही है। स्टूडेंट नहीं है सुबह से आप लोगों ने? सारी क्लासेस हुई हैं आज? नो मैम, एक लेक्चर था वो हुआ नहीं। नहीं हुआ? नो मैम। किस सब्जेक्ट का? फूड लॉज एंड रेगुलेशंस। आप लोगों को 1 वीक और एक्सटेंशन मिल गई है, नेक्स्ट वीक से यूनिवर्सिटीज होंगे। मैम रेगुलर वो भी नहीं लगता, वो भी नहीं होगा, वो भी बेटा ऑनलाइन ही चलेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। क्योंकि मैम सिचुएशन वर्स ही हो रही है, केसेस बढ़ ही रहे हैं, डिक्लाइन तो मान चाहिए। और वैसे भी ये जो इससे पहले था ना, इसमें शराब में इजाफा हुआ है। हाँ जी, इसमें इजाफा हुआ है। एक तो ये कि शॉपिंग्स में, क्योंकि मार्केट्स का तो बहुत बुरा हाल था, और उसके बाद हर एक ने शॉपिंग तो सबने की होगी, ये तो हो ही नहीं सकता। शॉपिंग की और मिले भी हैं, ईद पे खाने भी हुए, मिले भी महंगे भी है, ईद पे मिले भी हैं। जी ऐसे मजा भी नहीं आता पढ़ने का। ये तो है ना, पढ़ने का मजा आता है ना, पढ़ाने का आता है बच्चों, पढ़ाने का भी नहीं आता। ऑनलाइन आप उस तरह से नहीं पढ़ा सकते जिस तरह से आप क्लासरूम में फेस टू फेस आपका स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है, फिर आप बोर्ड यूज करते हो कुछ एनीथिंग, फिर आप स्टूडेंट्स को भी इंगेज रख सकते हो, आप खुद भी इंगेज रहते हो, ठीक है। इस तरह तो मुझे भी पढ़ाने बिल्कुल, हमें भी मजा नहीं आता पढ़ाने का, लगता है कि बस एक लेक्चर है और वो डिलीवर कर दें, ठीक है। मैम ऑनलाइन में कोशिश करें भी तो नहीं पढ़ा जाता, वो कहीं ना कहीं रह जाता है। ऐसे ही होता है बेटा, क्लास में आप जब एक फेस टू फेस आपका इंटरेक्शन होता है टीचर का स्टूडेंट से, आपको होता है कि अच्छा आप टीचर की बॉडी लैंग्वेज को, आप उसके वर्ड्स को, ठीक है, आप इस तरह की चीज़ों को जज करते हो। इसी तरह अब मुझे आप लोगों का स्टूडेंट का किसी को मैं किस तरह जज कर सकती हूँ? ना मुझे आप लोगों का फेस का आइडिया है, ना मैं आप लोगों से कोई इंटरेक्शन है, ठीक है।
तो इस तरह मुझे भी आप लोगों को जज करना बहुत मुश्किल होगा कि मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं, जस्ट वो ये असेसमेंट्स की बेस पे हो सकते हैं ना. लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो क्लास में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है. हर स्टूडेंट की डिफरेंट साइकिल होती है, तो हमें हर एक को देखना पड़ता है, हर एक को समझना पड़ता है. टीचिंग भी आसान काम नहीं है, टीचिंग भी बहुत टफ काम है. सही है, चलिए हम तो दुआई कर सकते हैं ना कि रात जल्द से हमारे हालात ठीक हो जाए, कोरोना खत्म हो जाए, ताकि सब कुछ पहले की तरह हो सके. मैम आपकी तबीयत ठीक हो गई? हाँ जी बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है. आप लोगों ने अपने घर में वैक्सीनेशन करवाई हैं सब के, जिनके अब तो 30+ की भी स्टार्ट हो गई है? यस मैम, पेरेंट्स करवाए हैं. हमारी भी हो गई है जी. यस मैम, हमारी भी होगी. हाँ जी, ये आप मेडिकल आप लोगों की भी हो गई है, वही जी सबकी हो गई है. उसके पार्ट की जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी भी हो रही है. नहीं वैसे आपके घर में जो आपके बहन भाई जो 30+ में है उनकी भी स्टार्ट हो गई, उनकी भी उनका भी मैम अभी 40+ वालों की तो उन्होंने डेट दी नहीं है. मेरे बाबा 40+ है, मामा बाबा, लेकिन उनकी अब तक उन्होंने डेट नहीं दी. अच्छा. जो है ना 50+ वालों की हो रही है जाने पे, लेकिन 40+ वालों कह रहे हैं डेट का वेट करें आप लोग. और मैम सूट भी नहीं कर रही, इवन कि मेरी फैमिली में मेरे ताया बुआ उन्हें वैक्सीनेशन सूट नहीं किया, उन्हें इतना प्रॉब्लम हो रहा है, उनकी ब्लड की थिकनेस इतनी ज्यादा हो गई है उस वैक्सीनेशन की वजह से. वो अभी जो आई है उस वैक्सीनेशन मैम आप वाली जो आई है उसका सुना है कि वैक्सीनेशन सही नहीं है, यूके की जो आई है. बाकी जो पहले थी वो ठीक आ रही थी, पहले थी वो ठीक आ रही थी जो अब यूके की है. लेकिन मेरी खाला ने करवाई है अभी रिसेंटली, उन्होंने करवाई है 40+ में, उनका तो बिल्कुल मरमीज को उनको कुछ इशू नहीं आया. आपकी फीवर मेरे भी नहीं आया फैमिली में, लोगों ने कर दिया. 40+ वालों में ना उसके इश्यूज, 40+ वालों में ना उसके इश्यूज कुछ लोगों में है, लेकिन 40 से कम उसके ज्यादा चांसेस है कुछ नहीं. मैम असल में वैक्सीनेशन का इशू नहीं है, जिनको पहले से कोई हेल्थ इशू होता है ना और वो वैक्सीनेशन वो एनहांस हो, जिनको कोई ना कोई इशू होता है, फॉर एग्जांपल कोई हार्ट पेशेंट है, कोई डायबिटीज है, तो या फिर किसी को और इशू, या फिर किसी की इम्यूनिटी वीक है, ठीक है, तो उनमें इश्यूज आ रहे हैं, उन लोगों में आ रहा है, सब में. मैम वैक्सीनेशन का तो ये प्रोटोकॉल होता है ना कि पहले आप टेस्ट करवाते हैं उस डिजीज का, उसके बाद आप वैक्सीनेशन लगाते हैं. पाकिस्तान में ऐसी लगाई जा रही है वैक्सीनेशन, ऐसी लगाई जा रही है. लेकिन फिर भी बच्चों सेफ साइड पे मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि सबको लगवा लेना चाहिए, इतना कोई इशू नहीं आ रहा. किसी को फीवर या बॉडी पेन ही हो रही है ऐसे मुझे जो सुनने में आया. मैम हमने जो लगवाई है मतलब कि मैं भी लगवा के आई हूँ, मुझे तो कोई सिम्टम्स शो नहीं हुए, मैंने कोई फीवर नहीं हुआ, कोई बॉडी में पेन कुछ भी नहीं हुआ. हाँ जी, तो मैं भी यही कह रही हूँ कि सबको नहीं हो रहा, डिपेंड करता है ये आपके बॉडी आपकी इम्यूनिटी कैसी है. यस मैम, आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपको कोई तो नहीं है या कोई और इशू तो नहीं है, उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, ये सब चीजें डिपेंड करती है, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स आते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, क्या हर चीज जो होती है उस पर डिपेंड किया जाता है. चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर. आई थिंक काफी लोग अब तक ज्वाइन कर चुके हैं बच्चों. फोर्थ लेक्चर हमने पढ़ लिए है ना? यस मैम. मैम मुझे आपने थर्ड की रिकॉर्डिंग भेजी थी ना, वो थर्ड की रिकॉर्डिंग एक्सेस नहीं हो रही, वो आपने ऑलमोस्ट एक वीक के बाद भेजी थी जब आपने फोर्थ पढ़ा के भेजा था. डाउनलोड ही नहीं किया था तो किसी और. मैम आपका दूसरा सेक्शन जो है अगर वहाँ पे किसी के पास है तो उनसे कहें कि हमें भी भेज दें. वैसे मैं ना बेसिकली इकट्ठे ही सेंड करती हूँ, क्योंकि इकट्ठे लेक्चर्स होते हैं ना, तो मैं एक ही दफ़ा ई मेल में कर देती हूँ. चलिए मैं देखती हूँ उसको, अगर होगा किसी के पास तो मैं आपको बता दूँ. मुझे किसी के पास भी अगर आपकी क्लास में भी किसी और के पास
लेक्चर 30 अकॉर्डिंग अवेलेबल हो, नहीं तो आप लोग बेटा उसको खुद अगर ना भी हो तो खुद पढ़ लीजिएगा, और उसमें तो अगर इश्यू आया तो फिर हम दोबारा उस लेक्चर को देख लेंगे, ठीक है, अगर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती तो। लेकिन मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, मे भी मैंने पहले भी लेक्चर्स पढ़ाए हैं तो पहले वाले रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पढ़ी हूँ तो उसमें देख लूंगी, ठीक है। अच्छा बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा HIV के ऊपर, ठीक है। HIV और एड्स को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपको पता है कि अब हमारी पॉपुलेशन में बहुत बहुत कॉमन होता जा रहा है। एक टाइम था तो सुनने में आता था कि अच्छा एड्स की कोई डिजीज है, लेकिन अब हमें कुछ ना कुछ उसके पेशेंट्स कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो क्या HIV और एड्स सेम थिंग है? HIV बेसिकली क्या है? एक वायरस है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, और वो जो डिजीज कॉज करता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। जो सिंड्रोम उसको कहा जाता है जिसमें हमारी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि HIV का इन्फेक्शन जब होता है तो उसमें हमारी बॉडी के बेसिकली क्या है कि मल्टीपल ऑर्गन्स इफेक्ट हो जाते हैं, एक तरह से सारी की सारी इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है? सप्रेस हो जाती है, ठीक है। तो क्या है कि HIV मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये बेसिकली वायरस की टाइप है जो क्या होता है? रेट्रो वायरस होता है। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिसमें क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जो बेसिकली क्या करता है? RNA को कन्वर्ट कर देता है किसमें? DNA में। इसका बेसिक टारगेट क्या होता है? किन सेल्स को ये टारगेट करता है? ये हेल्पर टी सेल्स को क्या करता है? टारगेट करता है, ठीक है। उनको टारगेट करके वहां पे अपनी क्या करता है? रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसका कोई भी क्योर नहीं है, ठीक है। एड्स भी क्या है? सिंड्रोम है। इसमें कहाँ से होती है? HIV से कॉज होती है। बॉडी की एबिलिटी मैंने आपको बता दी कि इम्यूनिटी सप्रेस कर देती है, इम्यूनिटी नहीं होगी तो हम डिफरेंट इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। क्लियर है वो चीजें? इसका भी कोई क्योर नहीं है। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर है बच्चों, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये इनवेलप्ड रेट्रोवायरस होता है और इसमें सिंगल स्ट्रैंड RNA क्या होती है? 2 कॉपीज होती है। कितनी कॉपीज होती है बच्चों? 2 कॉपीज होती है, ठीक है। रेट्रोवायरस है, 2 कॉपीज होती है SS RNA की। क्या होता है कि आपको पता है कि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, क्या होगा? जब सेल में इंटर होगा तो रेप्लीकेट करेगा, CDNA बना लेता है, वो CDNA जो होता है वो इंटीग्रेट करता है होस्ट के जीनोम के अंदर। जीनोम की बात करते हैं, इसमें कितनी जीन्स होती हैं? तो उसका जीनोम जो होता है उसका वेट अगर 10 किलो बेस का होता है, 9 उसमें जीन्स होती हैं, और वो कहाँ पे होती हैं? LTR बच्चे, LTR तो लॉन्ग टर्मिनल रिपीट सीक्वेंस, मीन्स के वहाँ पे मल्टीपल सीक्वेंसेस क्या होते हैं? AAA TTT CC, ठीक है। आपको नाइट्रोजनस बेसिस होती है, एडेनिन थायमिन साइटोसिन गवानिन, ठीक है। तो वो क्या होगा कि उनके जो लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स की बेसिस होती हैं वो एट द एंड जो होती है उनके रिपीट्स मल्टीपल टाइम्स होते हैं, ठीक है। और ये बात है कि वहाँ पे क्या होता है कि वो DNA की इंटीग्रेशन में हेल्प करती हैं, और साथ में कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं जो वायरस की रेप्लिकेशन में बाइंडिंग साइट्स बनाती हैं, ठीक है। इसकी मेजर बेसिक स्ट्रक्चर की जो जीन्स हैं वो गैग है, पॉल है और एंव है, ठीक है। गैग जो है वो कॉल प्रोटीन होती है, पॉल जो है ऑब्वियसली वो उसमें एंजाइम्स आते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीएज और साथ में इंटीग्रेज आ जाते हैं। एंव जो है वो इनवेलप प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। ये 3 जो है इसकी बेसिक जीन्स के स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ये दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। साथ में रेगुलेटरी प्रोटीन्स आ जाती हैं जो कि इसमें हेल्प कर देती हैं, NF है, VP, UR, VPR है, ठीक है। तो ये सब क्या है? इसकी रेगुलेटरी और एक्सेसरी प्रोटीन्स है। ये है इसका स्ट्रक्चर, आप लोग देख सकते हैं बच्चों। सेंटर में हमारे पास अगर इसको हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे, तो आप देखें कि ये इसका क्या है जो रेड में शो हो रहा है, जो रेड में ये हमारे पास क्या है? सिंगल स्ट्रैंड HIV का RNA है। इसके ऊपर जो पर्पल में है इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ठीक है। उसके आउटसाइड पे जीनोम के साथ में जो प्रोटीन है वो कौन सी? वो P24 गैग कोर प्रोटीन है, क्लियर, ठीक है। ये कौन सी है? P24 गैग कोर प्रोटीन है, ये जो आपको इसमें लाइट ब्लू में नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद ये क्या? इसकी लिपिड बाय लेयर है। ये जो है ये P17 गैग मैट्रिक्स प्रोटीन है। ये क्या है? होस्ट की प्रोटीन है जिसको ये करता है, यूज करता है। साथ में ये जो आपको ये स्पाइक्स लाइक नजर आ रहे हैं, ये गैग ये GP41 इनवेलप ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। ये GP120 इनवेलप है, ठीक है। तो इनवेलप प्रोटीन्स दो होती हैं, GP41 और GP120। दो हमारे पास जो होती हैं वो क्या होती हैं? एक कोर प्रोटीन्स होती है P24 गैग, और एक हमारे पास मैट्रिक्स होती है P17 गैग। बच्चों ये आप लोगों को
वाइव अप पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और उसमें ही पूछी जा सकती हैं. ठीक है मैम, क्वेश्चन था. जी बेटा पूछिए. मैम ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जब ये होस्ट सेल के अंदर इसने अपना ये भेजना है स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंडेड जो इसका डीएनए सॉरी आरएनए, तो मैम ये पूरा पेयर जाएगा वहां पे या एक स्ट्रैंड जाएगा? बेटा ये मल्टीप्लाई होगा. सबसे पहले क्या होगा, ये मल्टी, ये सबसे पहले इंटीग्रेट मींस कि पूरे का पूरा वायरस ही जाता है. आपकी जो हमें यहाँ पे एनवेलप प्रोटीन आ रही है GP41 GP120, इनके रिसेप्टर्स होते हैं CD4 सेल्स के ऊपर, माई बॉडी में सेल्स जो होते हैं ये उन रिसेप्टर से बाइंड करेगा. जैसे रिसेप्टर से बाइंड करेगा उसके बाद ये बॉडी में उस सेल्स में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा और वहां पे जाके ये अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा. ठीक है, थैंक यू. ये देखना हो गया, आप मैंने आपको बता दिया रिसेप्टर्स की बात की, तो वही आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि CD4 एंटीजन जो होता है उसका मेन रिसेप्टर होता है स्किन एंट्री के लिए. ठीक है, तो CD4 एंटीजन, मोनोसाइट, जेनेटिक सेल्स और ब्रेन माइक्रोग्लिया जो होते हैं ये मेन रिसेप्टर्स होते हैं, इसकी एंट्री में हेल्प करते हैं. और इसके मैं आपको जैसा मैंने पहले बता दिया कि इसकी जो मेजर प्रोटीन जो हेल्प करती है वो कौन सी, GP120 है. वो कौन सी, GP120 है, वो जेनेटिक सेल्स जो होते हैं उनके साथ भी वो बाइंड कर जाती है. ठीक है, तो GP120 जो है वो CD4 के साथ बाइंड करती है, जब वो उसके साथ बाइंड करती है तो उसमें क्या आएगा, ऑब्वियसली वो खुद को चेंज करेगी, उसकी बाइंडिंग साइट्स होंगी वो क्या होंगी, एक्सपोज हो जाएंगी और साथ में वो उसके वायल एंट्री में क्या हो जाएगी, हेल्प कर देंगे. ठीक है. अच्छा बच्चों, यहाँ पे कीमोकाइन रिसेप्टर्स जो होते हैं, मींस कि जो GP120 CD4 जो बाइंड करते हैं, तो कीमोकाइन रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, डिटरमाइन करते हैं कौन से वे. कीमोकाइन कहते हैं केमिकल्स या साइटोकाइन रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है, उनका क्या काम होता है, डिटरमाइन करना है कौन सा वाला HIV का इन्फेक्शन हुआ, कौन सा वेरियंट आया, उसकी कौन सी टाइप आई है. ठीक है, HIV-1 है या HIV-2 है. जैसा यहाँ पे मोस्टली अगर वो CCR5 यूज, HIV-1 कीमोकाइन रिसेप्टर CCR5 यूज कर रहा है तो वो कौन सा HIV-1 होगा, उसको हम क्या कहते हैं, R5 वायरस कहते हैं. ठीक है, एक तो GP120 CD40 से बाइंड करता है. सेकेंडली क्या होता है कि कुछ कीमोकाइन रिसेप्टर्स जो होते हैं, एक्सेसरी रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ भी ये बाइंड करते हैं और जो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा HIV-1 का इन्फेक्शन हुआ है या फिर वो टू का हुआ है. वन के लिए क्या है, CCR5 है, और HIV-1 वायरसेस को हम क्या कहते हैं, R5 वायरसेस भी कह सकते हैं. ठीक है, और अगर वो क्या है, उनका कोर रिसेप्टर जो है वो CXCR4 है तो उसको हम क्या कहेंगे, X4. ये बेसिकली CCR5 और CXCR4 ये भी जो CD4 हेल्पर टी सेल्स होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर होते हैं. ठीक है, वो जिसके साथ वो बाइंड करेंगे उस बेस पे उसको हम क्या कर देंगे, क्योंकि मेन रिसेप्टर जो है वो क्या GP120 का CD4 है, लेकिन कोर रिसेप्टर क्या है, या तो वो CCR5 होगा या फिर वो CXCR4 हो जाएगा. ये है, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इसका लाइफ साइकिल. जिसका क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पूरे का पूरा वायरस जाएगा, तो वो आपको इसमें फर्दर में क्लियर कर देती हूँ लाइफ साइकिल को जब हम डिस्कस करेंगे. ये है इसका लाइफ साइकिल, किस तरह से वायरस जो होगा वो एंटर हो गए तो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है. आप लोग देख सकते हैं कीमोकाइन कोर रिसेप्टर और साथ में क्या आएगा, CD4, ये दो रिसेप्टर्स को होंगे सेल के मेम्ब्रेन पे होंगे. वायरस आएगा इनके साथ बाइंड करेगा तो उसके बाद वायरस की क्या हो जाएगी, अपटेक हो जाएगी वो सेल में, सेल मेम्ब्रेन की क्या हो जाएगी, उसके अगेंस्ट बडिंग हो जाएगी और बडिंग करके वो उसको इंगल्फ कर लेंगे. जब वो इंगल्फ कर लेगा तो उसके बाद सेल उसको क्या करेगा, अनकोट करेगा. अनकोट करने के बाद वो क्या कर देगा, अपने SSRNA को सेपरेट करेगा, फिर उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, वो DNA बनाएगा. अब यहाँ पे क्या होगा, DNA बनाने के बाद वो दोबारा से उसके जीनोम को, अपना जीनोम किसमें इंसर्ट कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा होस्ट के जीनोम में. ठीक है, होस्ट के जीनोम में वो इंटीग्रेट कर गया, फर्दर वो क्या करेगा, उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, RNA की प्रोसेसिंग होगी और ट्रांसपोर्ट होगी, दोबारा से उसके क्या हो जाएंगे, SSRNA के स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, साथ में वायरस से क्या आ जाएंगे, एक्सेसरी प्रोटीन्स आ जाएंगी और ये सब कंबाइन करके दोबारा से न्यूक्लियर कैप्सूल बना देंगे, बडिंग के थ्रू एक न्यू वायरस जो होगा वो बॉडी में आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या है, ये लाइफ साइकिल है किसका, HIV का, कि हाउ वायरस HIV वायरस इज अपटेक एंड इन्फेक्ट द बॉडी सेल्स. ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू किसी को? मैम ये रिपीट कर दें प्लीज. बच्चों सबसे पहले क्या है, वायरस का आपको मैंने बताया था कि दो रिसेप्टर्स हैं, एक तो मेन रिसेप्टर है CD4 और एक कौन सा होगा, कीमोकाइन कोर रिसेप्टर, या तो वो CXCR4 होगा या फिर वो CCR5 होगा. ठीक है,
उसकी बडिंग है, बडिंग होने के बाद क्या होगी, उसकी अनकोटिंग हो जाएगी कि सेल क्या करेगा, अपनी प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेगा, सब कुछ सेपरेट करेगा और उसका SSRNA जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम यूज करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम यूज करेगा और DNA बना देगा। जब इसका DNA बन जाएगा तो ये DNA जो होगा वो होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट कर जाएगा। जब ये होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट करेगा तो उसका जीनोम, होस्ट जीनोम क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा और फर्दर RNA से क्या करेगा, कॉपीज बना देगा। और ये RNA कॉपीज जो बनेंगे साथ में उसमें एक्सेसरी प्रोटीन आएंगे, ये मिलकर न्यूक्लियोकैप्सिड बना देंगे और वायरस जो होगा वो दोबारा से एक न्यू मल्टीपल वायरस की कॉपीज हो जाएंगी, वो बॉडी में आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है सबको? तो वही बात है कि HIV का इफेक्ट जो होगा वो CD4 टी सेल्स होंगे और CD4 की वजह से वहां पे क्या होगा, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। इसी तरह से हमने HIV जो होते हैं इसको हम सुपर एंटीजेंस कहते हैं। बच्चों सुपर एंटीजेंस वो होती हैं जो लार्जर अमाउंट में क्या करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं। ठीक है, तो ये सुपर एंटीजेंस होती हैं जो कि क्या करती हैं, सेल्स को इतना ज्यादा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करती हैं कि हमारे सेल्स की क्या होती है, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ टी सेल्स की पॉप प्रोसेस भी करते हैं। और आपने देखा है कि प्रीवियस स्लाइड में कि जिस तरह से HIV की क्या कर रहा है, बडिंग के थ्रू क्या हो रहा है, वो इंटीग्रेट कर रहा है और फिर बडिंग से क्या कर रहा है, वो आउटसाइड पे आ रहा है। तो इस तरह से बडिंग के, इस तरह जो वायरस की बडिंग होती है सेल मेम्ब्रेन में, तो उससे सेल मेम्ब्रेन की क्या होती है, वीकनेस हो जाती है, उसकी वीकनिंग स्टार्ट हो जाती है और ऐसे ऐसे मेम्ब्रेन की क्या होती है, डैमेजिंग होती है, क्या होती है, लाइसिस उसकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने ये देखना है कि अब वायरस की मल्टीपल कॉपीज जो है वो तो बॉडी में आ गई है, अब किस तरह से वो हमारे इम्यून सिस्टम को डिसफंक्शन करेगा। सबसे पहले तो वो क्या करता है, CD4 टी सेल्स को क्या करता है, खत्म कर देता है। आपको पता है कि अगर CD4 टी सेल्स कम होंगे तो ऑब्वियसली साथ में एंटीजेंस को रिस्पॉन्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एलो एंटीजेंस जो आउटसाइड के एंटीजेंस हैं उनका भी CD3 एंटीबॉडीज IL-2 की प्रोडक्शन, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं एक ऐसा साइटोकाइन इंटरल्यूकिन-2 का रिसेप्टर जो होते हैं वो भी टी सेल्स के ऊपर होता है और वो रिलीज भी खुद ही करते हैं। तो अगर CD4 टी सेल्स कम होंगे तो इंटरल्यूकिन-2 की प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और साथ में तो साइटोकाइंस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्योंकि आप एक CD4 टी सेल जो है ये ऐसा सेल है बच्चों जो बी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, मैक्रोफेजिस को भी एक्टिवेट करता है और फर्दर जो साथ में इम्यून सिस्टम प्रोसेस चल रहा होता है उसको ही कंट्रोल भी करता है। तो अगर ये मेजर सेल क्या हो जाएंगे, डिप्लीशन भी हो जाएगी, तो हमारी बॉडी का जो मैक्सिमम इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा। इसमें से काउंट जो होता है वो लेस देन 200 पर इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल यूनिट तक कम हो जाता है। और इसका अगर इतना ज्यादा इतने कम ही हो गए हैं, माइक्रोलीटर्स में आ गए हैं, तो इसका क्या होता है, सर टाइम लगता है एड्स को डेवलप होने में। हम एकदम से पेशेंट को डायग्नोज नहीं कर सकते इसको एड्स में, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि आस्ते आस्ते उसको फर्दर, कभी उसको क्या हो जाएगा, निमोनिया हो गया पेशेंट्स को, कभी उसको क्या हो गया, माउथ इन्फेक्शन हो गया, एलर्जिक इन्फेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब डिफरेंट उसकी बॉडी के अंदर इतने ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं और जब उसको हम फिर डायग्नोज कर सकते हैं, उसको एड्स को डिवेलप होने में क्या होता है कुछ 10 ईयर्स लग जाते हैं, क्योंकि इसके डिफरेंट इलनेसेज होते हैं, डिफरेंट जो वायरस हमारे ऑर्गन होते हैं इफेक्ट हो जाते हैं। अब इसकी बात करते हैं स्टेजेस की, क्योंकि हमने कहा है कि इसको 10 ईयर्स लगते हैं। कैसे 10 ईयर्स लगते हैं, क्योंकि इसकी 4 स्टेजेस हैं। एक तो प्राइमरी स्टेज है, उसमें क्या होगा, फ्लू लाइक इलनेस हो सकती है 1 से 6 वीक के लिए, सिम्टम कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं आएगी, इन्फेक्टेड पर्सन जो होगा अदर पर्सन को भी क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेज 2 जो होती है वो एसिम्टोमेटिक भी हो सकती है, क्योंकि स्टेज 1 में अगर उसको फ्लू था, फीवर था, उसने एंटीबायोटिक भी ली है, ठीक है, उसने मेडिसिन ली है, तो हो सकता है कि उसको कोई दोबारा सिम्टम्स ना आए तो 10 ईयर्स तक में भी कभी फ्लू हो जाए या इस तरह से वो एसिम्टोमेटिक पर्सन रह सकता है। ठीक है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं आएंगी, उसके ग्लैंड्स हो सकते हैं वो स्वॉलन हो सकते हैं, HIV का लेवल जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा उसका, लेकिन हम उसकी जो एंटीबॉडीज है उनको ब्लड में डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एंटीजन को पहले डिटेक्ट करेंगे, एंटीजन अगर टाइमली डिटेक्ट, क्योंकि एकदम से आपके हमारे पास कोई भी पेशेंट आए हम उसको फौरन से करना कहेंगे कि भाई अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको HIV हो सकता है, क्योंकि HIV डिपेंड करता है हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, सोशल सर्कल क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, देन उसके इतना उसके बाद अगर पेशेंट को मल्टीपल सिम्टम्स आ रहे हैं उसके डिफरेंट, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट करवाते हैं किसके, एड्स के।
एच आई वी एंटीजन के लेवल्स तो कम हो जाते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनी होती है, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड में. स्टेज थ्री जो होती है वो देन सिम्टोमेटिक होती है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, इम्यून सिस्टम का होता है डेफिनेट डिस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट हो जाती है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और कैंसर उसको होने लग जाएंगे पेशेंट्स को. ठीक है, मीन्स की जो ये स्टेज है ये आपको उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रही है पेशेंट की, उसको कैंसर भी हो सकता है, उसको अपॉर्चुनिस्टिक बीच अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो होते हैं कि जब किसी बैक्टीरिया को किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि एक पर्सन इनका इम्यून सिस्टम भी वीक है तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली और कोई वायरसेस भी आएंगे, बैक्टीरियाज भी आएंगे, एलर्जिक इन्फेक्शन भी होंगे उसको. ठीक है, तो जैसे ही उसको कोई ना कोई ऐसा एनवायरमेंट मिलेगा तो वो कोई ना कोई इन्फेक्शन वहां से उसको हो जाएगा. ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्टेज फोर जो है उसमें उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और उसमें मोर सीवियर लीडिंग उसको हम डायग्नोज कर लेते हैं कि उसका एच आई वी जो था पहले उसको एच आई वी का इन्फेक्शन था लेकिन अब वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो एड्स में आ गए. ठीक है, तो ये क्या होती है बच्चों, इसकी फोर स्टेजेस होती हैं. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शंस टीबी हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो सकता है, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, वायरल में कोसिस आपको मैं इन्फ्लुएंजा है, देन उसको फंगल आ सकते हैं जिसमें नियोमोसिस्टाइटिस कारिनिया आ जाता है. ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन जो होते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, सबसे ज्यादा क्या आता है टीबी आता है. ठीक है, टीबी हो गया, उसको निमोनिया हो गया, देन जब इतने ज्यादा इम्यूनिटी वीक हो तो उसके ऊपर कैंसर स्टार्ट हो जाते हैं, फिर फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं. ठीक है, ये सब क्या आते हैं इसके अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वास्ते जो लिंक करने के साथ एड्स के साथ. ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैम ये पूछना था कि एड्स ये जो एच आई वी है इससे इटसेल्फ तो जो पेशेंट्स मरते हैं एच आई वी से तो नहीं मरते होंगे, वो मरते होंगे जो बाकी अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन है उनसे, जैसे कैंसर हो गया या कोई और एच आई वी से ही मरे हैं क्योंकि एच आई वी प्योर ही नहीं है, अगर उसको इन्फेक्शन हो गया वो मेडिसिन लेते रहते हैं फिर उसने मेडिसिन छोड़ दी, सीडी फोर सेल्स ही नहीं है तो कैसे वो सर्वाइव करेगा. वही बात ना कि 10 years वो 10 years जो हमने पीछे बात की ना कि उसको एड्स होने में लगते हैं, वो 10 years बच्चों पेशेंट का लाइफ स्पैन होता है, मतलब वो 10 years तक या 8 years तक इतना टाइम तक वो जैसे ही मतलब घसीटते उसको डॉक्टर्स इतना उसको लाइफ मिल जाती है, उसके बाद बस इतना सर्वाइवल नहीं होता है पेशेंट्स का. ठीक है जी बच्चों, और कोई क्वेश्चन? मैम एक और था कि अगर मदर है कोई उसको एड्स है और उसको एड्स हो गई है उसके बाद आगे बच्चों भी डिस्कस करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं आगे. ठीक है, आगे हम जब इसके उसमें आएंगे ट्रांसमिशन में तो उसमें डिस्कस करते हैं. ठीक है, मोड्स ऑफ ठीक है क्या है एचआईवी एड्स का. ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, थ्रू सिंज है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और मदर टू फीटस भी इसकी ट्रांसफ्यूजन हो जाती है. ठीक है, तो ये सब क्या है इसके ट्रांसमिशन के मोड्स हैं. बॉडी फ्लूइड्स भी हो जाता है, ब्लड प्रोडक्ट्स जैसे अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है सीमन के थ्रू हो जाता है, वजाइनल फ्लूइड से भी हो जाता है, ब्रेस्ट मिल्क से भी हो जाता है. ठीक है, ये सब क्या थे इसके ट्रांसमिशन के थे. और सेकंड इंट्रावीनस ड्रग यूज. ठीक है, शेयरिंग नीडल्स विदाउट स्टेरिलाइजेशन, चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एचआईवी का चांस होता है उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है. ठीक है, और देन क्या सेक्सुअल ट्रांसमिशन आ जाती है इंटरकोर्स के थ्रू है, ओरल है, एनल है. ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें आ जाती है. जी बेटा, जो आप क्वेश्चन पूछने लगे थे वो उसका आंसर. ठीक है, बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ, पोस्टमार्टम, आफ्टर द बर्थ. ठीक है, तो अगर किसी मदर को एच आई वी है तो वो उसके फीटस में ट्रांसफर हो जाता है. क्लियर है मुनाहिल? यस मैम.
अब क्या है जी बच्चों, इसके टेस्टिंग ऑप्शंस आ जाती हैं कि टेस्टिंग ऑप्शंस क्या क्या है एचआईवी के लिए। सबसे पहले तो हम इसके एंटीजेंस डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, इसके एंटीजेंस एचआईवी की है, ये प्रेजेंट है या नहीं, फिर हम इसके एंटीबॉडीज चाहते हैं। बच्चों यहाँ पे एनोनिमस टेस्टिंग होती है, एनोनिमस ये है कि उसको एक स्पेसिफिक कोड, एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है, उसका नेम नहीं हम यूज करते हैं, उसके हम स्पेसिफिक आइडेंटिफाइंग नंबर यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज है कि जिसको अगर हम अपने पॉपुलेशन में या अपने सोशल सर्कल में बात करें कि एक पेशेंट को एड्स है, तो आई थिंक कि वो एक उसके लिए क्या होता है कि एक पहाड़ होता है, अच्छा इस पेशेंट को एड्स हो गया, और वो ऐसे कि अगर वो बंदा एक एड्स का एचआईवी का पेशेंट है तो उसको सोसाइटी का जो स्ट्रेस है वो ही उसके लिए काफी होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसके लिए टेस्टिंग जो होती है एनोनिमस टेस्टिंग करते हैं, उसका पेशेंट का नेम नहीं यूज करते हैं, उसको हम स्पेसिफिक एक लैब का नंबर है वो दे देते हैं, और रिजल्ट जो होते हैं इशूड ऑन द टेस्ट रेसिपिएंट के सब किसी हर एक को, मीन्स आप ये नहीं कि आपकी फैमिली में से कोई भी जाके जी उसकी रिपोर्ट कलेक्ट कर सकता है, जस्ट उसका रेसिपिएंट है या फिर जो सेकेंड रेफरेंस नंबर जो उसने रेफरेंस दिया होगा किसी भी पर्सन का, जस्ट वो उसके रिजल्ट जो होते हैं कलेक्ट कर सकते हैं, सबको उसकी रिपोर्ट इशू नहीं की जाती, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल टेस्टिंग होती है, उसका नेम और पॉजिटिव रिपोर्ट होता है, उसका डिपार्टमेंट को सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, मीन्स क्या अगर कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो जो हमारे आगे गवर्नमेंट के जो हमारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन के, हम उनको रिपोर्ट करते हैं पेशेंट का नेम और उसका रिजल्ट कि उसको पेशेंट को क्या है एच आई वी है, क्यों, क्योंकि एच आई वी पूरी की पूरी एक सोसाइटी को, एक सर्कल को, एक फैमिली को क्या कर सकता है, तबाह कर सकते हैं, ठीक है, फैमिलीज को बचाने के लिए, फैमिली से आगे पूरी सोसाइटी को बचाने के लिए, ठीक है, ये सब जरूरी होता है, क्लियर है। ब्लड को हम चेक कर सकते हैं, ब्लड डिटेक्शन में आपको मैंने बता दिया हम अलाइजा के थ्रू एंटीजन और एंटीबॉडीज को चेक कर सकते हैं, देन हम रेडियो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन ऐसे फ्लोरिसेंट ऐसे, ये सारे टेस्ट बच्चों हम आगे लेक्चर्स आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे कि अलाइजा कैसे करते हैं, रेडियो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन ऐसे कैसे करते हैं और फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी ऐसे कैसे करते हैं, बेसिकली ब्लड डिटेक्शन टेस्ट के नेम्स है जिनको हम यूज करते हैं एच आई वी के एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए, और साथ में एट द एंड जो हमें वायरस को देखना होता है उसके लिए हम क्या करते हैं पीसीआर लगा लेते हैं, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो क्या होता है बच्चे, वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है उसके ऊपर हम इसकी एंटीजन देखते हैं कौन कौन से, जीपी 120 और जीपी 140, अगर वो जीपी 40 और 120 ये दोनों एंटीजन में पॉजिटिव आ जाती है पेशेंट के ब्लड में तो कंफर्म है कि इसको क्या है एड्स है इस पर्सन को, ठीक है। यूरिन भी टेस्ट कर सकते हैं लेकिन ये एक सेंसिटिव टेस्ट होता है, इसको सेफ में हम एच आई वी को स्क्रीन कर सकते हैं, फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं अगर उसमें हाई रिस्क हो किसका एच आई वी का, ठीक है। ऑयल टेस्टिंग भी है लेकिन इसको हम एंटीबॉडीज के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन मोस्टली जो है वो हम क्या करते हैं हम ब्लड ही लेते हैं, ब्लड के ऊपर ही हम क्या करते हैं टेस्ट करते हैं इसके एंटीजन और एंटीबॉडी को टेस्ट करने के लिए। अब एक पेशेंट के हमारे पास बच्चों अगर रिपोर्ट्स आ गई हैं, हमने उसको डायग्नोज कर लिया है उसको एच आई वी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो क्या उसकी काउंसलिंग है, हम उसे क्या करें काउंसलिंग करें, ठीक है। एक तो प्री टेस्ट काउंसलिंग भी होती है, देन आप पोस्ट टेस्ट भी होती है, क्यों, क्योंकि किसी पेशेंट का फोन से फोन है कि आपको एच आई वी का टेस्ट करवाना है तो कोई कभी भी पेशेंट एग्री नहीं करता, हमें उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उसको हिस्ट्री देनी पड़ती है कि उसकी ट्रांसमिशन क्या है, कि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, कि पेशेंट का सोशल सर्कल क्या था, ठीक है। देन उसने आप किस अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसने क्या क्या प्रिवेंशन को यूज करना है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, वॉलंटरी और कॉन्फिडेंशियल जो होता है उसके रिकॉर्ड्स को रखा जाएगा, ये नहीं कि हम सबको उसके टेस्ट के रिकॉर्ड्स बता देंगे, ठीक है। देन उसके हम पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग करते हैं, हम एग्जाम से उसको नहीं कहेंगे जी आपको जो एड्स हैं, एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल से हम उसको रिजल्ट को क्लैरिफाइज करेंगे, हम उसे बता देंगे आपको एडिशनल टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, आपका बिहेवियर सेफ है, आप बिहेवियर होना चाहिए क्योंकि आपको एच आई वी है लेकिन उसको हम ट्रीट करेंगे, आपका रिजल्ट्स ये हैं, आपको फर्दर आपने क्या रिस्क फैक्टर्स जो है इसमें आ सकते हैं, वो क्या क्या डिजीज जो है या भी जो भी इसमें आपको प्रिवेंशन है उनको आपने कंट्रोल करना होगा, ठीक है। देन उसके हम ट्रीटमेंट ऑप्शन पे आ जाते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो कि यूज की जाती हैं वो पेशेंट्स को रिकमेंड की जाती हैं, इसको हम एस जी टी कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, क्यों,
अगर इनहिबिटर्स क्यों दिए जाते हैं बच्चों, इसलिए दिए जाते हैं कि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं होगा तो इनकी रेप्लिकेशन नहीं होगी, रेप्लिकेशन नहीं होगी तो वायरस की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. देन नॉन न्यूक्लियोसाइड ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स भी देते हैं जिसको हम वायरामिन या नेविरैपिन कहते हैं. प्रोटीएज इनहिबिटर्स भी देते हैं सिमोलॉपिर और राइटोनागर कहते हैं. मीन्स की जितने एंजाइम्स हैं, प्रोटीएज हैं, ट्रांसक्रिप्टेज हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं, हमने बेसिकली उन एंजाइम्स को इनहिबिट कर लिया. तक एंजाइम्स इनहिबिट होंगे तो नॉन सक्सेसिव प्रोटीन्स बनेंगे, ना उसकी रेप्लिकेशन होगी और ना ही वायरस की वहाँ पे क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी. लेकिन जब तक उसको ये मेडिसिन मिलते हैं तब तक उसका बंदे का इम्यून सिस्टम वैसे ही बहुत सप्रेस हो चुका होता है कि वो मेडिसिन जो होती हैं जस्ट कुछ टाइम फॉर द टाइम बीइंग होती हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है. टू एन आर टी आई देते हैं और एक एन एन आर टी आई देते हैं, ठीक है. मीन्स की जो नॉन, हमने पीछे बात की नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर, वो हम एक देते हैं, ठीक है. और दो जो होती है वो उसको हम कौन से देते हैं, नॉन न्यूक्लियोसाइड वाली, वो हम टू रिकमेंड करते हैं, ठीक है. ट्रीटमेंट इस कॉम्बिनेशन का जो जो बनाया जाता है उसको हम क्या करते हैं, हार्ट कहते हैं, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहा जाता है उसको, ठीक है. तो इसी तरह से उसके साथ साथ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं उनका ट्रीटमेंट कहते हैं कि उसको हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो कि अवेलेबल नहीं है तो उसको हम साथ में क्या कर देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट कर देते हैं. और मेन जो है इसके बच्चों फोर वेज है इसको प्रोटेक्ट करने के, एक तो एब्सिटेंस, मोनोगैमस रिलेशनशिप, प्रोटेक्टेड सेक्स और साथ में स्टीराइल मेथड्स, ठीक है. ये फोर वेज या फोर मेथड्स हैं जिनसे खुद को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. एब्सिटेंस क्या होती है, 100% इफेक्टिव मेथड ऑफ नॉट एक्वायरिंग एचआईवी और एड्स. मींस के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रेफरेंस है, ओरल है, एनल है या वजाइनल है, ठीक है. मींस अगर इससे आप इसमें रहेंगे, इसे अवॉइड करेंगे तो क्या होगा, वायरस जो होगी उसकी फर्दर ट्रांसमिशन जो होगी वो आगे फर्दर ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है. मोनोगैमस रिलेशनशिप जो है उनसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है. इस तरह से क्या होगा कि सोसाइटीज के अंदर भी एचआईवी का जो होगा इन्फेक्शन उसके ट्रांसमिशन को हम स्टॉप कर सकेंगे या फिर कंट्रोल कर सकेंगे. नीडल्स जो है वो स्टीराइल नीडल्स यूज करनी चाहिए, उनको शेयर नहीं करना चाहिए. 30 सेकंड के लिए उनको ब्लीच में सबसे पहले तो क्या है कि उनको स्टीराइल करना चाहिए, स्टीराइजेशन करनी चाहिए. स्टीराइजेशन के बाद उनको डिसइंफेक्शन भी हम कर सकते हैं ब्लीच के साथ या अल्कोहल के साथ, वाटर के साथ भी यूज करना चाहिए. और यही कि पर्सन को अपने स्ट्रिंजेस यूज नहीं करने चाहिए, जो नॉन स्टीराइल स्ट्रिंज होते हैं अगर उनको यूज कर देंगे तो ऑब्वियसली मेन सोर्स जो है वो क्या है, नीडल्स आती हैं, स्टिंजेस आती हैं जिनको अगर विदाउट स्टरिलाइजेशन यूज करें तो वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करती है वायरस को. इसीलिए हमारे पास क्या है कि हमारी जो यहाँ पे क्या है गवर्नमेंट है उसने क्या स्टार्ट की, नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट किया है. कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच प्रोवाइड्स स्टूडेंट नीडल्स इन एक्सचेंज फॉर कंटेमिनेटेड वंस, ठीक है. क्या है कि आपको अगर कंटेमिनेटेड स्टिंजेस आप देते हैं तो उसको आपको स्टीराइल जो न्यू स्ट्रिंज होती है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है बच्चों. इसलिए कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कुछ ना समझ आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. एक्सक्यूज मी मैम. जी बेटा पूछे. मैम आपने एक LTR की टर्म यूज की थी, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज. लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स, मतलब LTR मैंने बताया था कि नाइट्रोजनस माइब, आपको पता है ना कि क्या होता है कि डीएनए आरएनए किससे बने होते हैं, जीन्स किससे बनती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस से बनती है ना, एडेनिन गवानिन साइटोसिन थायमिन. तो LTR क्या है कि वहां पे फॉर एग्जांपल लॉन्ग रिपीट्स है. फॉर एग्जांपल एडेनिन है तो 5 to 6 या 7 to 8 सब यूनिट्स किससे होंगे, एडेनिन के ही होंगे. तो वो क्या होता है, उसको हम लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स कहते हैं कि जो जीनोम का एंड होता है वहां पे उसके रिपीट्स जो होते हैं वो मल्टीपल टाइम्स होते हैं, ठीक है. ओके मैम थैंक यू. और किसी ने कुछ पूछना है? मैम जी, मैम जो इंसुलिन की स्ट्रिंजेस होती हैं, यस, तो उनके तो वो एक ही पर्सन यूज करता है तो उनसे तो कोई चांसेस नहीं होता कि वो कोई इस तरह के इंफेक्शन हो? नहीं बेटा, अभी हमने क्या बात की कि पर्सन टू पर्सन नहीं यूज करना चाहिए, ठीक.
और मैम आपकी जो क्लास है वो 3:30 पे नहीं हुआ करेगी, 5 बजे हुआ करेगी? बच्चों भी जब तक ऑनलाइन चल रहे हैं तो हम 5 बजे ही जाएंगे इसको। मैम 3:30 हमारी फूड लॉज एंड रेगुलेशंस की क्लास होती है, 5 बजे ही नहीं, ये टाइम टेबल में 5 बजे ही लिखा हुआ है। नहीं बेटा वो दूसरे कोई सेक्शन पे स्टूडेंट है इसलिए 5 बजे होगी क्लास, जब तक ऑनलाइन है अभी चल रहा है 5 बजे होगी। ठीक है, जब आप लोगों का आएगा ऑन कैंपस तो भी इसको हम देखेंगे। ठीक है जी, क्लास किसी और ने कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों? नो मैम। चलें ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को अभी लेक्चर ईमेल कर देती हूँ, ठीक है, और रिकॉर्डिंग भी, तो आप लोग इसको रिकॉर्डिंग भी डाउनलोड कर लीजिएगा और लेक्चर भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको जरूर पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस में आप लोगों से पूछूंगे। ठीक है मैम, लेक्चर एंड होने के साथ ही रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा, फिर आप जब नेक्स्ट लेक्चर में करती हैं तो वो फिर कुछ बच्चों पे ओपन नहीं होती वो रिकॉर्डिंग? नहीं बेटा मैं अभी कर देती हूँ। अच्छा बेटा किसी के पास अगर लेक्चर 3 की रिकॉर्डिंग है किसी के पास भी तो प्लीज मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैं फिर आप सबको दोबारा से उसको सेंड कर दूंगी। ठीक है मैम, लेक्चर 4 की भी करती हूँ, उसकी भी एक्सेस नहीं हो रही कुछ स्टूडेंट्स को। मैम हमारे तो किसी की भी नहीं हो रही। चलिए मुझे 3 और 4 का जिस जिसके पास है रिकॉर्डिंग वो मुझे ईमेल करें। ठीक है ये मैं आपको 4 की मैं रिकॉर्ड कर 4 की डाउनलोड करके आपको लिंक भेज दूं। हाँ जी जिसके पास है वो मुझे लिंक सेंड कर दे डाउनलोड करके। ओके मैम ठीक है, और ये 5 की मैं आप लोगों को भी सेंड कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू बच्चों।